नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सामान्य ज्ञान और सामयिकी। भारत ने अबू धाबी में पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन या OIC की बैठक को संबोधित किया। इस्लामिक सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के अलग अलग रूप और नाम हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के समर्थन में धर्म को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आतंकवाद फल फूल रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया का हर धर्म शांति, सौहार्द और भाईचारे की सीख देता है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आई हैं। इनमें 18 करोड़ 50 लाख मुसलमान भी शामिल हैं। भारत को पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन या OIC की बैठक में अतिथि के रूप में बुलाया गया है। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। भारत सरकार ने सिमी पर और 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सिमी पर और 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस संगठन ने अपनी विध्वंसकारी गतिविधियां अभी बंद नहीं की हैं। वह अभी भी इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय हैं। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्वीकार किया कि आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना या मुखिया मसूद अजहर पाकिस्तान में है और जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली है। जैसे मोहम्मद संगठन पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में ही सक्रिय हैं और इसका मुख्यालय बहावलपुर में है। संयुक्त राष्ट्र ने इस आतंकी संगठन को अवैध घोषित कर रखा है। अमेरिका ने अपनी मांग दोहराई। अमेरिका ने अपनी यह मांग दोहराई है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए गए इस वचन का पालन करे कि आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जाएगी और उन्हें धनराशि भी हासिल नहीं करने दी जाएगी। श्री अजय नारायण झा बने वित्त आयोग के सदस्य। श्री अजय नारायण झा 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। उन्होंने श्री शक्तिकांत दास की जगह ली है। श्री शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त होने पर वित्त आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में श्री N.K. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था ताकि 5 वर्षों की अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का फार्मूला तैयार किया जा सके। प्रेरणा। आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं उसके आदि हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये कहना है भगत सिंह का। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो आपके मोबाइल पर आपको मिल जाया करेगा।
आपके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।